उनके ग्राम के और उनके पंचायत के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये मैच जीता है, चैलेंजर ट्रॉफी मैच जीता है। और मैं उप विजेता टीम से भी कहना चाहता हूँ, ये हार नहीं है, ये विराम है, अगले वर्ष अभी ये मैच जीतिएगा। और मैं चैलेंजर ट्रॉफी आयोजन करने वाले सभी आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस सुदूर इलाके में जिस तरह से इस तरह के छोटे से गांव में आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे दिनों में आप इससे भी बढ़िया आयोजन करेंगे। ये बहुत सुंदर आयोजन है। और मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूँ कि विजेता और उपविजेता ये दोनों टीम है, अगले वर्ष आप सभी लोग अपना टीम में 15-15 सदस्य का नाम दीजिए, मैं पूरा ड्रेस उसकी पूरी किट का व्यवस्था में और हमारी संस्था करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ अगर कर सकते हैं तो इसी में से कोई ना कोई लोग हमारे टीम का ईशान किशन, मुकेश कुमार बनेगा जो हमारे। और जिस तरह से मोहम्मद सिराज हमारे देश के लिए खेलता है, मोहम्मद शमी खेलता है, रविंद्र जडेजा खेलता है, इसी में से कोई मोहम्मद शमी, कोई रविंद्र जडेजा और कोई ईशान किशन बन करके हमारे देश को सेवा करे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका हम और हमारी पूरी पार्टी, हमारी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप इसी तरह से बुलाते रहिए, आपका मान सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से निवेदन की 15-15 सदस्य दोनों टीम का नाम दीजिए, नाम सहित पूरी टीम की पूरी की हम जल्द से जल्द उपलब्ध कराए कि अभी से आप लोगों का तैयारी हो और 2024 में आप इससे भी बेहतर खेले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजीव भैया। और आप तो घोषणा कर ही दिए लेकिन मेरा इच्छा था और मैं गलती